अच्छा, आमरस पूरी बनाएंगे। आमरस पूरी के लिए आम कौन सा लेना है और वो भी मैं बताने वाली हूँ। जो पूरी बनाएंगे देखिए, एकदम ऐसे फूली फूली बनेगी, और ज़्यादा देर तक आप रखेंगे ना वैसे ही फूली की फूली रहेगी, और एकदम सॉफ्ट अंदर से बनेगी और बाहर से एकदम ऐसे फूली हुई। तो ये पूरी बनाने के लिए कुछ मैं टिप्स बताने वाली हूँ, जिसके आपकी पूरी ज़्यादा ऑयली नहीं बनेगी, ज़्यादा तेल ऑब्जॉर्ब नहीं करेंगी, और एकदम ऐसे गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेगी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाने के लिए। तो जो टिप्स मैं बताती हूँ इसके लिए पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, कोई भी कटोरी लीजिए उससे नाप लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, और इसमें 1 चम्मच से ना 2 चम्मच हमें सूजी डालनी है, जो नाश्ता करने के लिए चम्मच लेते हैं ना वो। और सूजी ध्यान रखिए एकदम बारीक वाली लेनी है, अगर मोटी सूजी है तो उसे थोड़ी देर मिक्सर में घुमा लीजिए, बारीक हो जाएगी। और सूजी से क्या होता है, हमारी पूरी जो है एकदम ऐसे फूली फूली बनती है, एकदम खस्ता क्रिस्पी बनती है। अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और इन सभी चीज़ों को ना पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ताकि सूजी और नमक अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारी जो पूरी है एकदम अच्छे से फूली फूली बनेगी। तो अभी यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, गरम तेल ही डालना है, और तेल 1 ही चम्मच डाले, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, नहीं तो पूरी जो है ऑयली बनती है, तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो ये टिप्स है जो मैं बताती हूँ, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। भी अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स, तेल थोड़ा गर्म है तो थोड़ा ध्यान से, इसलिए थोड़ा सा ही तेल मैंने डाला है। अभी इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमें गूंदना है। तो गूंदना कैसे है वो मैं भी आगे जाके आपको बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और मिक्स करते जाइए, और हमें इसका ना एकदम ध्यान रखिए, एकदम पतला डो नहीं बनाना है। तो और पानी भी थोड़ा सा अगर गुनगुना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर वाला ही पानी लेना है, और ज़्यादा ना ही गर्म पानी लेना है हमें। तो ये देखिए इस तरह से हमें एकदम ज़्यादा नहीं पतला, ना ही एकदम हार्ड सॉफ्ट ऐसे हमें डो गूंदना है। तो देखिए इतना सॉफ्ट हमें आटे को गूंदना है, क्योंकि इसमें ना सूजी डाली है, तो सूजी को भी थोड़ा फूलने के लिए जगह चाहिए, तो वो फूलने के बाद वो भी थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो इसके लिए इतना सॉफ्ट ज़रूर गूनी, और अच्छे से गूंद के इसे हमें कवर करके रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि सूजी हमारे अच्छे से फूल जाए। तब तक बनाते हैं आमरस। तो यहाँ पे मैंने देखिए 4 मैंगो लिए हैं, ये हापुस आम लिया है मैंने, इसे 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है, ताकि इसमें जो हीट है ना वो निकल जाए। तो इसके लिए पानी में ज़रूर रखिए, और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसे धो लीजिए, ताकि उसमें जो भी डस्ट वगैरह रहेगी वो निकल जाएगी। तो ध्यान रखिए आम कैसे है आपके के ऊपर आपका जो है आमरस बनेगा, लेकिन हापुस आम का जो आमरस बनता है ना एकदम परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी इनका पूरा पानी निकाल लिया है, इसके हमें पल्प निकालना है, तो ऊपर का जो डंठल का भाग है ना उसे निकाल देते हैं। और ये ना देखिए ऊपर से एक पीस निकाल लेंगे। अभी मैं 2 तरह से आपको ये आम का पल्प निकालने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहला है, तो ये देखिए छिलके को थोड़ा सा हटा लीजिए, एकदम नीचे की साइड प्रेस करना है, तो इससे भी पूरा जो है पल्प निकल आता है। तो जैसे आपको आसान लगेगा उस तरीके का आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये एक तरीका हो गया, और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए पूरा एकदम परफेक्ट आम निकला है, पल्प निकला है। तो दूसरा तरीका ये है, स्पून लीजिए और नीचे एकदम कॉर्नर से हमें ऐसे बस राउंड राउंड घुमाना है, पूरा गोल घुमाते जाइए नीचे से प्रेस करते हुए। तो इससे भी देखिए एकदम पूरा जो पल्प निकल आया है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है उस हिसाब से आप पल्प निकाल सकते हैं। तो मैंने पूरा पल्प जो है निकाल लिया है, और इसे अभी मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इसकी हमें पेस्ट बनानी है। तो जो पूरा पल्प निकाला था उसे मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसके छोटे पीसेस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मिक्सर में जाते ही एकदम अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। अभी देखेंगे जो गुठलियाँ इसकी थी उसका भी पूरा पल्प निकाल लेंगे, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। हाथों से ऐसे निचोड़ निचोड़ के ना उसका पूरा पल्प निकाल लीजिए, एकदम इजीली जो है गुठलियों में से पल्प निकल आता है। तो इस तरह से पूरा निचोड़ निचोड़ के ना मैं पल्प निकाल लेती हूँ सभी
गुठलियों का, और इसे अच्छे से मिक्सर में, मिक्सर जार को मैंने घुमा लिया है। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है, अभी क्या इसे छान लेंगे, क्योंकि इसमें कोई रेशेस वगैरह रहेंगे तो वो निकल जाएंगे, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। छानने से क्या होगा, हमारा जो पल्प एकदम स्मूथ बनेगा और आमरस जो है एकदम स्मूथ बनेगा, खाने में बहुत मज़ा आएगा। नहीं तो अगर खाते समय ऐसे रेशेस वगैरह आएंगे ना, जो आम के धागे वगैरह रहते हैं, तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये स्टेप ज़रूर कीजिए, उसे छान ज़रूर लीजिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2-3 मिनट में आप ये कप, ये पल्प छान के तैयार हो जा रहा है। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा होगा, अभी देखिए कितने रैशेस निकले हैं। इसके लिए छानना बहुत ज़रूरी है, क्या बच्चों को अगर आमरस देते हैं तो करे में ये रैशेस लग सकते हैं, इसलिए छान लीजिए ज़रूर। तो देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी जैसे हमारा ये जो पल्प बन के तैयार हुआ आमरस। अभी ये आमरस आप किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के 1 हफ्ते भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये इतना मीठा है ना कि इसमें मुझे शक्कर वगैरह मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं लगी। अगर आपका आम कैसे है उसके हिसाब से आपको अगर कम खट्टा है तो शक्कर मिला सकते हैं। अभी आमरस भी तैयार है, तो हमारा जो आटा है उसे चेक करते हैं। तो आटा भी अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो चुका है, आधे घंटे के लिए रखा था, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा मत रखें नहीं तो ये पतला हो सकता है। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के हमें इसे 2-3 मिनट के लिए और अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि जितना अच्छे से आटे को गूंदेंगे ना उतनी ही हमारी पूरियाँ है वो अच्छे से फूली फूली बनेंगी। बस 2-3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लीजिए। अगर मेरी दिखाई हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक्स कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही में बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ये आटा हमारा गूंद के तैयार है, तो इसमें ना छोटे छोटे लोई तो हम लोग तोड़ लेंगे, और इसकी हमें एक बड़ी वाली ऐसी रोटी बेलनी है ताकि पूरी कट करने में आसानी हो। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही बड़ी वाली पूरी बेल लेती हूँ और उससे ना छोटी छोटी पूरियाँ कट कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, हमारी जो पूरियाँ हैं ना एक ही साइज़ की बनती है। अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना है तो छोटी छोटी सी जो लोइयाँ तोड़ के आप इससे भी पूरी बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, एक साइड से ही हमें बेलना है, उसे अलट पलट नहीं करना है, और इतनी ही मोटी रखिए, ज़्यादा मोटी नहीं ना ही पतली, इस एकदम परफेक्ट है। थोड़ी रोटी से थोड़ी सी मोटी, उससे क्या होगा पूरियाँ जो हमारी एकदम अच्छे से फूलेगी। और ऐसी कटोरी वगैरह लीजिए जिससे पूरी कट कर सकते हैं, थोड़ी बड़ी साइज़ के लेंगे तो पूरी एकदम परफेक्ट और एक ही साइज़ की बनेगी। ये देखिए हमारी जो है पूरियाँ बनके तैयार हैं। तो इसी तरह से मैं सब पूरियों को बना लेती हूँ। अभी फ्राई करते समय ना हमें ये ऊपर वाला भाग है ना उसे वैसे ही ऊपर रखते हुए जो नीचे का साइड है उसे ऑयल में छोड़ना है इस तरह से, उससे हमारी जो है पूरी है ना एकदम अच्छे से फुली फुली बनेगी इस तरह से। जो नीचे का साइड है वो पहले नीचे की साइड ही डालिए। तो एक बार ये इस तरह से मेरी तरह से पूरी बना के देखिए, एकदम गुब्बारे की तरह फुली फुली बनेगी। तो देखिए ऑयल में जाती है हमारी पूरी कितने अच्छे से फुली है, गोल मटोल ऐसी पूरियाँ। और एक साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद इसे पलट के दूसरी तरफ से फ्राई करिए, और इसे ना थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आने के बाद पूरियाँ पलट लीजिए। इससे क्या होता है पूरियाँ अंदर तक अच्छे से फ्राई होती है और ज़्यादा देर तक ऐसे फुली फुली बनी रहती है। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसी तरह से जो है सब पूरियाँ फ्राई कर लेते हैं। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त आया है, जैसे खाने में ही मज़ा आएगा, इतना देख के जितना मज़ा आ रहा है उतना ही खाने में टेस्टी लगेंगे। तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये हमारी गर्मा गर्म पूरियाँ और आमरस हो गया है तैयार। तो आम का सीज़न है तो जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो एक पूरी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, देखिए अच्छे तरह से कैसे फूली है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनी है, क्योंकि ये पूरियाँ ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब नहीं करती है। तो मेरे टिप्स के बताए हुए पूरियाँ ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी।